सो एवरीवन, अगर आप भी कोलकाता लोकेशंस में जॉब्स करना चाहते हैं और आप अनएजुकेटेड है, राइट, कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अनपढ़ है और आप सोचते हैं कि हम कोलकाता लोकेशन में काम करें, हाईएस्ट सैलरी पैकेज हो और आप बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप काम करना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूँ एक्यूरेट होता है, जेन्यून होता है, तभी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, अन्यथा हम शेयर नहीं करते हैं। जी हाँ, मैं इस वीडियो में जो भी बात करने वाला हूँ, ये जो कंपनी है बेस्ट कंपनी है, रूम फ्री प्रोवाइडेड है, देन की सैलरी भी अच्छे हैं, सब कुछ बताने वाले हैं आपके साथ में। निवेदन एक ही है, आप वीडियो पूरा देखें और आप वीडियो में दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कीजिएगा, तभी कॉल कीजिएगा जब आपने पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए हैं। जी हाँ, फिलहाल यहाँ पे देखिए, ये जो कंपनी है प्लास्टिक चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसी में आपका रिक्वायरमेंट होने वाला है। कंपनी जब मैन्युफैक्चरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में उसका नाम आ जाए, तो उसमें सैलरी पैकेज भी हाईएस्ट लेवल के ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पे प्लास्टिक चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसमें देखिए, ड्यूटी जो है 12 आवर्स की शिफ्टिंग है, 12 घंटे की काम है। आपको भी पता है कि फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में जो काम होते हैं वो 12 घंटे का ही काम होता है। यहाँ पे 12 घंटे का काम है, यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि महीने में कितने दिन आपका काम होने वाला है। वेल, अगर यहाँ पे बताया जाता कि महीने में 26 दिन काम है, वीकली वन डे ऑफ है, तो डेफिनेटली हम आपके साथ में जरूर शेयर करते, बिकॉज यहाँ पे बताया ही नहीं गया है, तो हम आपके साथ में कैसे शेयर कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे वीकली वन डे ऑफ के बारे में नहीं बताया गया। क्वालिफिकेशन में एनी पास कैंडिडेट अप्लीकेबल है, अगर आप 5वीं है, 8वीं है, 10वीं है, तो आप कर सकते हैं, कोई इश्यूज वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें एजुकेशन डिमांड नहीं किया गया है। जी हाँ, लोकेशन की बात करूँ, हावड़ा लिलुआ लोकेशन में ये जॉब्स के वैकेंसी होने वाले हैं। एज लिमिटेशन मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 37 ईयर है। बिलो 18 कैंडिडेट नॉट एप्लीकेबल एंड अबोव 37 ईयर कैंडिडेट नॉट एप्लीकेबल। सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस है, यानी कि जिस दिन आप विजिट करोगे उसी दिन आपका ज्वाइनिंग प्रोसीजर वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो सैलरी है, सैलरी के बारे में बताऊंगा, रूम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड है, सैलरी जो मिलने वाला है प्लास्टिक चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जो सैलरी मिलेंगे वो मिलेंगे 11,400 रुपये मंथली बेसिस है। अब बहुत सारे लोग ये टॉकिंग करेंगे कि आपने थंबनेल पे डिफरेंट क्यों लिखा है, देखिए यहाँ पे कंपनी ने मुझे जेडी भेजा है, तो 11,400 से लेकर के 20,000 रुपये तक सैलरी है, लेकिन आपका सैलरी उसी शर्त पे इंक्रीज होते रहेगा जब आप कंपनी को अच्छा परफॉर्मेंस करके दोगे, अच्छे से काम करोगे, तो आपका सैलरी डेफिनेटली से इंक्रीज होने हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी रिक्वायरमेंट मेरे पास में आता है, ऑथेंटिक होता है, रियल होता है, तभी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। अनदर वे, कोई ऐसे वैकेंसीज का हम आपके साथ में शेयरिंग नहीं करते जो पर्टिकुलर, उसके बारे में कुछ हमें जानकारी पता ही नहीं और झूठ मूठ का हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जितने भी जॉब्स आते हैं ब्लू माया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से होता है, पेड जॉब्स होते हैं, फ्री नहीं होता। वेल, अगर आप जॉब्स करना चाहते हैं, आप किसी अनदर प्लेसमेंट एजेंसी से कॉम्पेयर कर लीजिएगा, इनका जो चार्ज होता है ना के बराबर होते हैं, यानी कि बहुत ही कम होते हैं। जी हाँ, मिलते हैं कोई नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपके साथ में लेकर के। वेल, चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, कोलकाता लोकेशन में जॉब चाहिए तो। ओके, बाय।